नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में भाषा विज्ञान का जो पाठ्यक्रम होता है अनिवार्य रूप से शामिल होता है उनके सिलेबस में, भाषा विज्ञान का जो टॉपिक है। तो आज से हम भाषा विज्ञान का अध्ययन करेंगे, कुछ बेहतरीन एपिसोड्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा मैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाषा की प्रकृति, प्रवृत्ति और विशेषताएं। तो किसी भी विश्वविद्यालय के परीक्षा में यदि यह प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की प्रकृति क्या होती है, या फिर भाषा की प्रवृत्तियां क्या होती हैं, या फिर भाषा की विशेषताएं क्या होती है, तो यही उत्तर आपको लिखना है और हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे आज। हालांकि वीडियो बहुत छोटा है लेकिन मैंने सभी चीजों को समेटने का इसमें प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा क्या है, भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। अपने व्यापक रूप में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मतलब भाषा हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक साधन है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो भाषा क्या है, संप्रेषण का एक अत्यंत प्रभावी और महत्वपूर्ण माध्यम है। अब भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। मतलब कोई जितने भी शब्द होते हैं वे संस्कृत के किससे बनते हैं, धातु से बनते हैं, जो भारतीय हिंदी के जो शब्द हैं। तो भाष का क्या अर्थ है, बोलना या फिर कहना, यह भाषा के संबंध में यह क्या है, इसके उत्पत्ति के संबंध में हमने यहां पर देखा। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो भारत के बहुत बड़े भाषाविद हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, इनका क्या कहना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। भाषा की प्रकृति, प्रवृत्तियां और विशेषताओं को समझने के लिए यह हमें बहुत जरूरी है कि हम उसकी परिभाषा पर भी गौर करें। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित। उच्चारण अवयव क्या होते हैं, जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो विभिन्न ध्वनियां जो निकलती हैं वो किसके माध्यम से निकलती है, हमारे मुंह के माध्यम से, हमारे दांत के माध्यम से, हमारे होठों से, हमारे नाकों से, नाक से, इन सब की प्रभावी भूमिका होती है। होठ, नाक, दांत, मुंह, मूर्धा और मुंह के अंदर में जितने भी अवयव हैं हमारे, जीभ इत्यादि, इन सबको बोलते हैं उच्चारण अवयव। इनके माध्यम से उच्चरित यादृच्छिक आर्बिटरी ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था। यादृच्छिक मतलब जैसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियां रेंडमली उठा ली गई है। जैसे हम कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता को कुत्ता क्यों बोलते हैं, इसका कोई कारण नहीं है, तो रेंडमली हमने बोल दिया कि इस जीव को हम बोलेंगे कुत्ता, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक या कोई सेंस नहीं है। तो यह ध्वनि प्रतीक कैसे निर्मित हुए, यादृच्छिक रूप से निर्मित हुए हैं, रेंडमली निर्मित हुए हैं। यह ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। ध्वनि जो प्रतीक होते हैं जिनको हम लिखकर व्यक्त करते हैं, ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। जैसे क एक ध्वनि है तो हम क को लिखते हैं, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या खासियत हो गई, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित, उच्चारण अवयव जो मैं बता चुका हूं, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं भाषा में। उच्चारण अवयव होते हैं जिसके माध्यम से हम उच्चारण करते हैं, जिसके माध्यम से हम बोलते हैं, वी स्पीक, और यादृच्छिक मतलब रेंडमली इनको उठा लिया गया है। तो जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कम्युनिकेट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। चलिए, अब भाषा की प्रकृति के विविध रूप हैं। अब हम यहां पर देख रहे हैं भाषा की प्रकृति या विशेषताएं या फिर उसकी क्या खासियत है। भाषा की प्रकृति के विविध रूप हैं। भाषा की प्रकृति, उसकी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को निम्नांकित शीर्षकों में देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि भाषा की क्या क्या विशेषता होती है। पहला है, भाषा सामाजिक वस्तु है। मतलब भाषा हम कहां से प्राप्त करते हैं, समाज से प्राप्त करते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा की उत्पत्ति, विकास, अर्जन, प्रयोग, व्यवहार इत्यादि समाज में ही होता है। मतलब भाषा सामाजिक संपत्ति होती है और भाषा का जन्म, भाषा का निर्माण, भाषा का सृजन, उसका विकास, उसका व्यवहार, उसका प्रयोग कहां पर होता है, समाज में होता है। समाज से परे किसी भाषा की कल्पना अथवा उसका अस्तित्व असंभव है। मतलब भाषा का जन्म समाज में होता है और यदि समाज ना हो, समाज से परे कोई भाषा नहीं हो सकती। मतलब हमारे जो समाज होते हैं भाषाई समाज होते हैं, जैसे हिंदी भाषी समाज, तेलुगु समाज, इस टाइप से। तो किसी समाज के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य समाज से ही भाषा सीखता है और उसका प्रयोग करता है। वस्तुतः भाषा सामाजिक व्यवहार है और मनुष्य को भाषा समाज की ओर से एक महत्वपूर्ण देन है।
भाषा का प्रयोग हम समाज में करते हैं, इसलिए भाषा एक सामाजिक व्यवहार का माध्यम है, सामाजिक व्यवहार है, और यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि समाज के माध्यम से हमें भाषा प्राप्त होती है। इसके बाद, लेकिन वास्तव में व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाषा अर्जित व्यवहार है, मतलब भाषा हम जन्मजात बोलने की क्षमता लेकर एक बच्चा पैदा होता है दुनिया में, लेकिन जिस कम्युनिटी में वह पैदा होता है, जिस समुदाय में, जिस भाषा भाषी क्षेत्र में वह पैदा होता है, उसके माता पिता जो भाषा बोलते हैं, जिस समाज में वह रहता है उसमें जिस भाषा का प्रयोग होता है, उस भाषा को वह अर्जित करता है, वह सीखता है, वह लर्न करता है। तो भाषा मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त अथवा जन्मजात उपहार के रूप में प्राप्त नहीं होती। जन्म से कोई भाषा प्राप्त नहीं होती, बल्कि वह अर्जित की हुई निधि होती है। जैसे हम संपत्ति अर्जित करते हैं, धन संपत्ति, वैसे हम भाषा को भी अर्जित करते हैं। मनुष्य का शिशु के रूप में जब इस धरती पर आगमन होता है तो वह शरीर के अंगों आंख, नाक, कान, पैर, हाथ की भांति भाषा को लेकर नहीं आता, बल्कि भाषा उसे सीखनी पड़ती है, और यही भाषा की अर्जनीयता है। इट मीन्स वी लर्न अ लैंग्वेज, वी एक्वायर अ लैंग्वेज। इट मीन्स भाषा को हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। लेकिन जैसे हमारे हाथ, नाक, हाथ पैर इत्यादि, उस तरह से वह हमको जन्म से प्राप्त नहीं होता है, जन्म से प्राप्त नहीं होती। इसके बाद तीसरा, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, इमिटेशन से सीखते हैं। वी इमिटेट समवन हु स्पीक्स अ लैंग्वेज, मे बी योर पेरेंट्स और सोसाइटी। तो भाषा को क्या, अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरणीयता भाषा की एक मुख्य प्रकृति है। समटाइम्स आई स्पीक इंग्लिश बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम डायरेक्टली फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स टू कॉलेजेस, सो दैट्स व्हाई यू विल अंडरस्टैंड बेटर इन सच टाइप ऑफ टॉपिक्स। तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, वी लर्न अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। अनुकरणीयता भाषा की एक अन्य मुख्य प्रकृति है। अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। भाषा मनुष्य अनुकरण से सीखता है। अ पर्सन लर्न्स अ लैंग्वेज विद इमिटेशन। माँ बाप, भाई बहन, शिक्षक, द्विभाषा मतलब ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर इत्यादि मनुष्य को भाषा सिखाने में नियामक होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। और भाषा क्या है, अनुकृत व्यवहार है, इमिटेटेड बिहेवियर है। तो भाषा हम अनुकरण से सीखते हैं, दूसरों को बोलते देखते हैं, दूसरों को सुनते हैं, तब हम भाषा को सीखते हैं। इसके बाद, भाषा परिवर्तनशील होती है, बार बार चेंज होती है भाषा। भाषा की प्रकृति स्थायी नहीं होती, अपितु उसकी प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील होती है। भाषा बदलती रहती है, वह स्थायी नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं के समान भाषा भी विकासशील अथवा परिवर्तनशील होती है, किंतु भाषा में परिवर्तनशीलता की गति बहुत धीरे धीरे और इस प्रकार होती है कि वह लक्षित अथवा प्रकट नहीं होती। भाषा धीरे धीरे परिवर्तित होती है, बदलती जाती है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन होता है इतना स्लो होता है, इतना धीमा होता है कि वह हमें प्रकट नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, लेकिन भाषा बदल जाती है। जैसे व्यक्तिगत उच्चारण में परिवर्तन कालांतर में पूरे समाज में दिखाई देने लगता है, मतलब कुछ व्यक्तियों से जो चालू होता है वह बाद में धीरे धीरे समाज में प्रचलित होने लगता है। एक व्यक्ति ने कुछ चेंजेस उसमें कर दिया किसी भाषा में, धीरे धीरे उस समाज में वह प्रचलित होने लगता है। जैसे कि ये जो शब्द हैं कैसे बदल गए हैं आज, जैसे परे शर्करा बोला जाता था वह शक्कर हो गया संस्कृत से, चतुर्वेदी जो सरनेम हुआ करता था वह चौबे हो गया क्योंकि लोग कठिनता से सरलता की ओर जाना चाहते हैं, अग्नि से आग बन गया, शाक से साग बन गया, मेघ से मेह बन गया इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण है कि भाषा कैसे परिवर्तित होती है। भाषा परिवर्तनशील है। हमेशा भाषा कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है, मतलब भाषा का जो प्रवाह होता है वह कठिनता से सरलता की ओर से होता है। भाषा कठिनता से सरलता तथा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर उन्मुख होती है। जैसे हमने चतुर्वेदी देखा, डिटेल में था, वह सूक्ष्म हो गया, चौबे हो गया। भाषा की यह एक मुख्य प्रवृत्ति है, मुख्य विशेषता है। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति बोलने में सरलता एवं सहजता की होती है, इसलिए भाषा भी कठिनता से सरलता की ओर तथा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर अग्रसर हो जाती है। मतलब मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह सरल, सहज, बोधगम्य भाषा का प्रयोग करना चाहता है। वह लंबे चौड़े वाक्यों अथवा शब्दों के स्थान पर छोटे छोटे शब्दों और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहता है, इसलिए भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। जैसे मुख्योपाध्याय से मुखर्जी हो गया सरनेम बंगाली लोग का, बंद्योपाध्याय से बनर्जी हो गया, अट्टालिका से अटारी हो गया, लौहकार से लोहार बन गया। इसी प्रकार बंद्योपाध्याय का बंदोपाध्याय भी बोलते हैं और मुखोपाध्याय भी बोलते हैं इत्यादि शब्दों के उच्चारण जटिल रूपों के सरल रूपों में अभिव्यक्ति के उदाहरण है, मतलब जटिल रूप से या सरल रूप हो गया। इसके बाद छठवां है,
भाषा जो है संयोगावस्था से योगावस्था की ओर प्रवाहमान होती है। संयोगावस्था मतलब जुड़ी हुई, दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़े होते हैं, और वियोगावस्था मतलब जब उनको अलग अलग कर दिया जाता है। तो भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर प्रवाहमान होती है। भाषा संयोगावस्था मतलब मिली हुई अवस्था से, वियोगावस्था मतलब अलग अलग होने, अलग अलग होना की ओर अग्रसर होती है। भाषाएं पहले संयोगावस्था में थी जिनमें प्रकृति एवं प्रत्यय का समन्वय सिद्धांत रखा जाता था। प्रकृति एवं प्रत्यय को आप उपसर्ग और प्रत्यय की तरह समझ सकते हैं। प्रकृति मतलब मूल शब्द हो गया, उसके साथ एक प्रत्यय लगा होता था पीछे में। तो लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में भाषाएं वियोगावस्था की ओर अग्रसर हो गई। जैसे कि रामेण, रामेण में दो शब्द हैं, रामेण यहां पर एक पद है लेकिन इसमें बाद में यह बदल के दो शब्द हो गया राम ने। तो ये देख सकते हैं मतलब जो शब्द होते हैं वे जुड़े हुए होते हैं, बाद में क्या है अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो भाषा जो है संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर अग्रसर होती है। ये सारे बिंदुओं को आपको लिखना है, आपको पूरे अंक मिलेंगे और आप भाषा की विशेषताओं को भली भांति समझ पाएंगे। इसके बाद सातवां है, अभी कुछ छात्रों ने मुझसे अनुरोध किया था कि आप भाषा विज्ञान का एक अलग प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैंने भाषा विज्ञान के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और इसमें बहुत ही मेरे जितने भी बेहतरीन लेक्चर्स उसमें आएंगे भाषा विज्ञान से संबंधित। यदि आप इन अवधारणाओं को भली भांति समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको पता ही है कि मैं अवधारणाओं को भली भांति समझाने में ज्यादा यकीन रखता हूं, और यदि जब तक आपका इन अवधारणाओं इन कॉन्सेप्ट पर अच्छी पकड़ नहीं होगी तब तक ना तो आप एक अच्छे छात्र बन सकते हैं ना तो एक अच्छे शिक्षक। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, अवधारणाओं पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी सफल हो सकते हैं और अपने विश्वविद्यालय के परीक्षाओं में भी आप बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। जैसे कि आपने मेरे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो लेक्चर है उसको बहुत पसंद किया है, तो उसी तरह उम्मीद है कि जो भाषा विज्ञान जो मेरा पसंदीदा विषय भी है इसको आप आनंद उठाएंगे इसका, और इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो भाषा अप्रवणता से प्रवणता की ओर उन्मुख होती है। अप्रवणता मतलब इमैच्योरिटी और प्रवणता होता मतलब मैच्योरिटी। तो जो भाषा है स्वाभाविक रूप से अप्रवणता से प्रवणता की ओर उन्मुख होती है। इमैच्योरिटी, इमैच्योर लैंग्वेज बोलते हैं जैसे बच्चों के लैंग्वेज होते हैं, तो बाद में क्या जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी भाषा क्या है परिष्कृत और परिमार्जित होती जाती है। तो भाषा में भी वैसी होता है। तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता कि यह भाषा फाइनल, ऐसी नहीं है कि यह भाषा फाइनल हो गया। वह परिवर्तनशील है, वह परिमार्जित होती है। परिमार्जित मतलब और शुद्ध होती है, अच्छी होती है। परिनिश्चित होती है मतलब उसमें और इंप्रूवमेंट होता है। और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर विकासशील होती है मतलब इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की ओर विकासशील होती है। जैसे कि पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी अपभ्रंश वगैरह का टाइम है, या फिर हमारे ओल्ड हिंदी है अपभ्रंश अवहट इत्यादि। पुरानी हिंदी की तुलना में मतलब जो शुरुआत में जो हम हिंदी का प्रयोग करते थे, जैसे कि आपको मालूम है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। जैसे भाषाई विकास का जब आप अध्ययन करेंगे तब आप देखते हैं कि संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी ऐसे बनता हुआ है, ऐसे बनती हुई भाषाई संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश फिर हिंदी। तो पुरानी हिंदी की तुलना में आज की खड़ी बोली हिंदी ने कितनी प्रौढ़ता प्राप्त कर ली है। आज जब जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं वह खड़ी बोली हिंदी है। खड़ी बोली हिंदी के दो रूप हैं, एक तो हिंदी है और दूसरा है उर्दू। तो खड़ी बोली हिंदी की दो बेटियां हैं, एक हिंदी है दूसरा उर्दू है। उर्दू को कुछ बोलते हैं कि मुसलमानों की भाषा है या फिर ऐसा कुछ नहीं, वास्तव में खड़ी बोली हिंदी के दो रूप हैं, हिंदी और उर्दू। उर्दू में अरबी फारसी शब्दों का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं लेकिन वह हिंदी का ही एक रूप है। तो पुरानी हिंदी की तुलना में आज की खड़ी बोली हिंदी ने कितनी प्रौढ़ता प्राप्त कर ली यह कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पुराने जो उपन्यास है हमारे परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, यह शुरुआती जो हिंदी है इसकी भाषा अप्रौढ़ है, इमैच्योर है, परिपक्व नहीं है। किंतु मुझे चांद चाहिए, चाक, अलमा कबूतरी इत्यादि समकालीन उपन्यासों की भाषा देखें तो स्पष्ट होगा कि भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर विकासशील होती है। तो ये आधुनिक समय के जो उपन्यास है मुझे चांद चाहिए जरूर पढ़ना चाहिए आपको, सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है, और चाक और अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा जी के उपन्यास है, तो इन्हें आप जरूर पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि भाषा कितनी परिमार्जित हो गई है, कितनी शुद्ध और अच्छी हो गई है। इसके बाद भाषा अनिवार्य एवं सर्वव्यापक होती है। जो भाषा का जो प्रचार प्रसार होता है वह सब जगह होता है। एक तो भाषा हमारे लिए जरूरी है क्योंकि यह भावनाओं और विचारों के संप्रेषण का माध्यम है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य और समाज का अटूट अभिन्न एवं अविभाज्य संबंध होता है, क्योंकि मनुष्य समाज में जन्म लेता है, समाज में ही मर जाता है, समाज में ही उसका विकास होता है, समाज में ही वह अपनी सारी गतिविधियों को संचालित करता है। तो मनुष्य और समाज का अटूट सिद्धांत, अटूट और अविभाज्य संबंध है।
मनन से हम समाज के लिए भाषा नितांत अनिवार्य है। किसी व्यक्ति के लिए और किसी समाज के लिए भाषा अत्यंत अनिवार्य है। जहां व्यक्ति है वहां भाषा है और जहां समाज है वहां भी कोई ना कोई भाषा अवश्य है। इस प्रकार भाषा का स्वरूप अनिवार्यता एवं सर्वव्यापकता का होता है। तो भाषा के स्वरूप की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाषा सर्वव्यापक होती है, मतलब हर जगह आपको ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह आपको भाषा दिखाई देगी समाज में और अनिवार्य है, कंपल्सरी है। इसके बाद भाषा की संरचना पृथक पृथक होती है, इट मीन डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इंग्लिश हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, हिंदी हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, संस्कृत हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। इट मीन डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो भाषा की संरचना पृथक पृथक होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक पृथक एवं स्वतंत्र होती है। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, व्याकरण इत्यादि के दृष्टि से भाषाओं में भी विभेदक रेखा होती है। मतलब सारी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हमारे पास हैं विश्व में मान्यता प्राप्त, उनकी ध्वनि अलग है, उनके शब्द अलग हैं, उनके रूप अलग हैं, वाक्य अलग प्रकार से निर्मित होते हैं, अर्थ और व्याकरण भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हिंदी जो भाषा है उसमें दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत और गुजराती में तीन लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग भी होता है संस्कृत में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, और गुजराती में तीन लिंग है। इसी प्रकार हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन हिंदी में होते हैं, जबकि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए और बहुवचन एक से अधिक के लिए। इसलिए अहम, आवाम, वयम बोलते हैं, मैं, हम दोनों और हम सब, अहम, आवाम, वयम। तो यह संस्कृत हो गया, अहम मतलब मैं अकेला, अहम वायाम मतलब हम दोनों, अहम अहम वायाम वयम, वयम मतलब हम सब। अब बहुत दिन हो गया संस्कृत पढ़े मुझे, थोड़ी बहुत याद है, वो बता रहा हूं आपको। इस प्रकार प्रत्येक भाषा का ढांचा दूसरी भाषा से भिन्नता लिए हुए होता है, तो यह आपको समझना है। इसके बाद दसवां है, भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न एवं नैसर्गिक होता है। अविच्छिन्न मतलब कंटिन्यू, विदाउट एनी ब्रेक, और नैसर्गिक मतलब होता है नेचुरल। तो भाषा का जो प्रवाह है, भाषा का जो विकास है और भाषा का जो प्रवाह है, निरंतर चलते रहता है। भाषा निरंतर प्रवाहमान होती है, बहती रहती है, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी स्टॉप और कंटिन्यू। तो मानव सृष्टि की भांति भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न एवं नैसर्गिक होता है। जैसे मनुष्य की जो सृष्टि है निरंतर सृष्टि प्रवाहमान है, एक बच्चा जन्म लेता है, फिर वह किशोर बनता है, युवा बनता है, वृद्ध होता है, मर जाता है, लेकिन बाद में सृष्टि वहां रुकती नहीं है, वह कंटिन्यू चलती रहती है। तो वैसे ही भाषा का प्रवाह है, भाषा का प्रवाह कभी रुकता नहीं, भाषा बहती रहती है और न बाधित होता है, न कहीं रुकती है न कहीं बाधित होती है, बल्कि इट मीन्स अ लैंग्वेज नेवर स्टॉप्स, द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज नेवर स्टॉप्स, बल्कि वह नदी की धारा के समान सतत, मतलब कंटिन्यू, निरंतर, अविच्छिन्न एवं नैसर्गिक रूप में प्रवाहित होता रहता है। वस्तुतः भाषा बहता नीर है, इसलिए भाषा को क्या कहा गया है, भाषा को कहा गया है बहता नीर, बहता हुआ जल है। भाषा कैसा है, बहता हुआ जल है, एंड इट नेवर स्टॉप्स एनीवेयर। यद्यपि उसके मार्ग में बहुत सारे अवरोध आते हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे कोई नदी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही भाषा भी अपना रास्ता बना ही लेती है। भाषा भावोद्गार का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, मतलब भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इट मीन्स इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। द लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ और एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। मनुष्य की इच्छा, चाहे उसके मन में क्या भी इच्छाएं हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसकी भावना, उसे क्या इमोशंस हैं, कार्य विचार, अर्थात मनुष्य के संपूर्ण क्रियाकलाप भाषा के माध्यम से भी अभिव्यक्त होते हैं। एक व्यक्ति जो भी काम करता है, जो भी इच्छाएं व्यक्त करता है, जो भी भावना व्यक्त करता है, जो भी काम करता है, विचार करता है, वह किसके माध्यम से करता है, भाषा के माध्यम से करता है, और भाषा के माध्यम से इन सबको अभिव्यक्ति भी प्रदान करता है, एक्सप्रेस करता है। इस दृष्टि से भाषा भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इट मीन्स लैंग्वेज इज द बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। भाषा मनुष्य के भावोद्गार का ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके बिना मानव जीवन अपूर्ण एवं पंगु है। पंगु मतलब अपाहिज है, मतलब भाषा इतना बेहतरीन माध्यम है हमारी भावनाओं के अभिव्यक्ति का और सशक्त माध्यम है, कि यदि भाषा ना हो तो हमारा मानव का जो जीवन है वह पूरी तरह से अपूर्ण हो जाएगा और अपाहिज की तरह हो जाएगा। इसके बाद भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा मतलब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होता है, मतलब एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होती है कोई भाषा। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, जैसे कि जैसे यहां पर छत्तीसगढ़ में यदि हल्बी जो बोली है
जहल भी है तो एक निश्चित एरिया है। हिंदी का हिंदी बेल्ट अलग है, हिंदी कुछ विशेष राज्यों तक ही सीमित है। दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे तेलुगु तमिल बोली जाती है तो उस क्षेत्र विशेष में उसकी व्यापकता है, वह प्रचलित है। तो इसीलिए कहा जाता है, एक प्रसिद्ध कहावत है, चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर बानी। चार कोस में पानी बदल जाता है पानी का टेस्ट, और आठ कोस पर आठ भाषा या बोली बदल जाती है। स्थान भेद से भाषा में विभेद हो जाता है, मतलब एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषी राज्यों की भाषा है, गुजराती गुजरात की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, बंगला बंगाल की भाषा है, अंग्रेजी क्या है, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की भाषा है, रूसी रूस की भाषा है, चीनी चीन की भाषा है, इत्यादि सभी भाषाओं की अपनी अपनी भौगोलिक सीमाएं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, जिसे बाहर उनका प्रचलन नहीं होता है, तो ये लिमिटेड होते हैं। इसके बाद भाषा की अपनी ऐतिहासिक सीमा भी होती है, मतलब आपने देखा होगा पहले जो भाषाएं बोली जाती थी बाद में क्या है, वे भाषाएं विलुप्त हो गई। जैसा संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तो ईसा पूर्व यह बोली जाती थी लेकिन बाद में धीरे धीरे विलुप्त प्राय है। तो भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है, एक कालखंड विशेष में एक भाषा का प्रचलन होता है लेकिन दूसरे कालखंड में उस भाषा का प्रचलन नहीं होता है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा के साथ साथ एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। ऐतिहासिक सीमा से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भाषा का अस्तित्व इतिहास के किसी विशेष कालखंड से लेकर किसी विशेष समय तक ही रहता है, मतलब इतिहास के किसी विशेष कालखंड में, किसी विशेष पीरियड में उसका प्रचलन रहता है लेकिन बाद में वह समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे प्राकृत भाषा का समय ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है, पहली ईस्वी से लेकर पांचवी ईस्वी तक क्या माना जाता है, प्राकृत भाषा प्रचलन में थी। प्राकृत भाषा से पूर्व पाली भाषा का अस्तित्व था और उसके पश्चात अपभ्रंश का बोलबाला रहा, फिर अवहट्ट भाषा का आगमन हुआ। तो भाषा का जो विकास हुआ कैसे हुआ है भारत में, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, तो यह हुआ है। मेरा जो लेक्चर है भाषा के संबंध में उसको आप जाकर देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिससे आपको बहुत फायदा हुआ। अब ऊपर हमने 13 तो हमने देख लिया मुख्य, इसके बाद भाषा की कुछ अन्य प्रकृति या विशेषताएं होती है जो कि हम देखते हैं। भाषा की कुछ अन्य विशेषताएं हैं जिनसे भाषा की प्रकृति स्पष्ट होती है, इन्हें निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला, भाषा का परिवर्तन पहले वाचिक रूप में होता है। वाचिक रूप में होता है मतलब वर्बल होता है, जैसा हम बोलते हैं। तो भाषा कैसे परिवर्तित होती है, पहले बोलचाल की भाषा बदलती है फिर बाद में लिखित भाषा बदलती है। भाषा अनियमित से नियमित होती है, जैसे भाषा कोई भाषा अनियमित होती है बाद में क्या है वह नियमित हो जाती है। जैसे अभी कोरोना के पीरियड में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी ने जन्म लिया तो बाद में वह क्या है नियमित हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। जैसे इंटरनेट का प्रचलन हुआ तो नई नई चीजें हमारी जिंदगी में आई, इंटरनेट हो गया, वेबसाइट हो गया, ये सारे शब्द आए, वेबसाइट का निर्माण करना, अभी जैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम बहुत सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में आ गई, उनके माध्यम से एक नई टर्मिनोलॉजी डेवलप हुई, एक नई भाषा का निर्माण हुआ है। वर्तमान समय क्या है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है ये, तो हमारे पास नई नई भाषाएं नई नई चीजें आ रही हैं। तो भाषा पहले अनियमित होती है लेकिन बाद में धीरे धीरे रेगुलर प्रयोग में जब आ जाती है तो वह नियमित हो जाती है। भाषा मानव जीवन से पोषित और संवर्धित होती है। संवर्धित मतलब वो क्या होता है, उसका पालन पोषण होता है, उसका संवर्धन होता है, जैसे हम पौधों को बड़ा करते हैं बच्चों को बड़ा करते हैं वैसे। तो भाषा क्या है, मानव जीवन मतलब जैसा हमारा जीवन है जिस प्रकार के हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसी से उसका पोषण होता है, संवर्धन होता है। इसके बाद भाषा स्वतः पूर्ण मतलब सेल्फ सफिशियंट। भाषा स्वतः पूर्ण एवं स्वाभाविक आत्मोद्गार की प्रक्रिया है, मतलब भाषा का प्रयोग करने के लिए हमको कोई बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। यदि हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं का अभिव्यक्ति प्रदान करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम भाषा के माध्यम से कर सकते हैं, वह अपने में सक्षम है, समर्थ है। इसके बाद भाषा मुख्यतः उच्चरित साधन एवं गौणतः लिखित साधन है। मुख्यतः मतलब मेन और गौण मतलब जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा का जो उच्चारण है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा मुख्य रूप से क्या है, उच्चरित साधन है। मीडियम क्या है उसका, मेन मीडियम क्या है, एक्सप्रेस करना है, बोलना है, वर्बल कम्युनिकेशन है, और बाद में हम जब उसको लिखते हैं तो वह गौणता साधन है। इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपेरिजन विथ स्पीकिंग, तो राइटिंग इज रेदर नॉट मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपेरिजन विथ स्पीकिंग। इसके बाद छठवा, भाषा पैतृक एवं जन्म सिद्ध नहीं है। तो जैसे हमको पैतृक संपत्ति मिलती है अपने माता पिता से, जो संपत्ति मिलती है अपने पुरखों से, तो वैसी भाषा हमको नहीं मिलती। भाषा पैतृक एवं जन्म सिद्ध नहीं है कि भाषा पर हमारा अधिकार हो। तो इसमें क्या है, भाषा को हमको अर्जित करते हैं, हम सीखते हैं। जिस माता पिता के घर में हम जन्म लेते हैं, जिस समाज में जन्म लेते हैं, जिस परिवेश में जन्म लेते हैं,
जिस देश में जिस समाज में जन्म लेते हैं उसकी भाषा को हम अर्जित करते हैं, लर्न करते हैं। तो इसके बाद भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तर भेद होता है। अब देखिए भाषा में क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण से, जैसे कुछ लोग एलिट क्लास के लोग हैं, विद्यार्थी वर्ग के हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उनकी भाषा थोड़ी अच्छी होगी, परिमार्जित परिनिश्चित होगी। जैसे कोई साहित्यकार है तो उसकी भाषा बहुत अच्छी होगी। इसी प्रकार जैसा हमारा सामाजिक स्तर होता है, जैसे काम करने वाले हैं, जैसे मजदूर वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग के हैं, किसान वर्ग के हैं, तो उनकी भाषा का स्तर अलग अलग होगा। तो कुल मिलाकर जो भाषा जो है सामाजिक इस दृष्टि से स्तर में भेद होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावी होते हैं कि कैसे परिवार में आपने जन्म लिया, माता पिता कितने ज्ञानी पढ़े लिखे हैं, किस प्रकार के स्कूल में आपने पढ़ाई की है, किस प्रकार के समाज और परिवेश में आप रहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो भाषा को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार भाषा की उक्त मुक्त मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं जिससे भाषा की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार हमने 14 पॉइंट यहां पर देखा और भली भांति आप समझ गए होंगे कि भाषा की प्रकृति प्रवृत्तियां और विशेषताएं क्या होती हैं। यदि आज का मेरा लेक्चर अच्छा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।